विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है, योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर्स से मिलता हूं, जहां भी जाता शायद ही कोई एक आदमी मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं,